बॉलीवुड पे यार आजकल जवानी छाई हुई है दोस्तों। एसआरके एंड दीपिका पादुकोण इज रोलिंग ओवर द बॉक्स ऑफिस ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, और वही कहानी मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जवान की। लेकिन कहानी सिर्फ जवान की नहीं, उसके अलावा की भी बहुत सारे फिल्मों की है। बताता हूँ मैं टैली चैट के ऊपर एंकर आपको बता दें कि जवान जो फिलहाल 100 टूर क्रॉस कर चुकी है। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस मैन। लेकिन जवान के अलावा भी ऐसी कई सारी मूवीज थी जिन्होंने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का जो बेल है वो टंग करके बजा दिया था दोस्तों। तो ये कौन सी मूवीज है, चलो उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है हमारी ऑस्कर प्राइज विनर मूवी यानी कि RRR, डायरेक्टेड बाय नन अदर देन बट द राजामौली, एंड स्टारर थे उसमें जूनियर NTR और उसके साथ साथ रामचरण। और ये मूवी ने पहले ही दिन फर्स्ट डे ओपनिंग एंट्री की थी 222 करोड़ की ब्लॉकबस्टर वॉल्यूम के साथ। जी हाँ, इसके अलावा नंबर दो पे आते हैं यानी कि अगेन डायरेक्टेड बाय राजामौली, दैट इज बाहुबली 2 अगेन स्टारर बाय प्रभास। दोस्तों इस मूवी ने भी पहले ही दिन पे लोगों के दिलों पर इतना राज किया और कमाए पहले ही दिन पे 214 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पे भी कोई कम नहीं है, तीसरे नंबर पे आता है KGF 2 यानी कि अपना यश, जिन्होंने लोगों को बियर्ड रखना सिखाया रीसेंट टाइम के अंदर। द मूवी हैज बीन फाइनली डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील और इस मूवी ने भी पहले ही दिन थोड़ा कम नहीं लेकिन 164 करोड़ का बिजनेस किया था यार। जी हाँ, उसके बाद नंबर फोर पे आता है हमारा रीसेंट अगेन प्रभास स्टार बॉलीवुड मूवी कॉल आदि पुरुष, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ओम राउत ने और इस मूवी ने भी पहले ही दिन पर 136 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जस्ट सी द नंबर, जस्ट सी द काउंट द मनी मैन, कितने सारे रुपए इन लोगों ने कमाए हैं। नंबर फाइव अगेन प्रभास साहू मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज फाइनली अगेन डायरेक्टेड बाय शंकर। ये मूवी ने भी 125 करोड़ रुपए पहले ही दिन कमाए थे। उसी डायरेक्टर शंकर ने 2.0 भी डायरेक्ट की थी जिसके अंदर स्टार थे रजनीकांत एंड अक्षय कुमार। दोस्तों इस मूवी ने भी पहले ही दिन ज्यादा नहीं सिर्फ 105 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यस, इसके अंदर और भी एक नाम है जहां पर वापस से SRK एंड दीपिका पादुकोण दिखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पठान दोस्तों, और इस मूवी ने भी पहले ही दिन 104 करोड़ की कमाई की थी। और वापस SRK एंड दीपिका पादुकोण एक साथ आए हैं एक और ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर जिसका नाम है जवान, और उसी ने इंडिया के सारे लोगों के ऊपर आज जवानी का जो है ना वो प्यार चढ़ा दिया है। दोस्तों आपने जवान देखी या नहीं देखी आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट। और मीनवाइल अगर आपको ये ब्लॉकबस्टर मूवीज की लिस्ट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बी ऑन टैली चार्ट।